तो अभी तक हम HTML और ChatGPT का यूज़ करके ऐप बनाते आ रहे हैं, बट आज हम जानेंगे कि Android Studio में ChatGPT की हेल्प से ऐप को कैसे क्रिएट कर सकते हैं। वैसे Android Studio को चलाना इतना आसान नहीं है, बट हम ChatGPT का यूज़ करके उसे आसानी से ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। सिंपल, आपको सिर्फ कोड को कॉपी पेस्ट करना है और अपने ऐप को बिल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कोडिंग नहीं आती है या कम आती है, बिगनर हैं, तो आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, क्योंकि हम सिर्फ ChatGPT से कॉपी पेस्ट करके अपने ऐप को बिल्ड कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में। तो चलिए बिना कोई टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो हम आ जाएंगे ब्राउज़र पर और यहाँ पर सर्च करेंगे Android Studio डाउनलोड फॉर विंडो। इसके बाद आपको फर्स्ट नंबर वाली वेबसाइट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है Android Studio को। मैंने ऑलरेडी डाउनलोड और इंस्टॉल करके रखा है, हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ न्यू प्रोजेक्ट पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें अपनी ऐप की एक्टिविटी को सिलेक्ट करना है। तो हमें एक यूट्यूब जैसा ऐप क्रिएट करने वाले हैं, तो हम एम्प्टी व्यू एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम अपने ऐप का नेम देंगे, उसका पैकेज नेम। तो सबसे पहले नेम दे देते हैं, तो हम ऐप का नेम दे देते हैं। ऐप का नेम देने के बाद आप पैकेज नेम डाल सकते हैं, मैं यही रहने देता हूँ डिफ़ॉल्ट। सारी फाइल्स लोड हो जाने के बाद आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारे फोल्डर और यहाँ पर कुछ कोड फाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। अगर आपने Android Studio को फर्स्ट टाइम डाउनलोड किया होगा, तो चलिए इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सबसे पहले इन फोल्डर्स को बंद कर देते हैं। हाँ, तो ये पहली फाइल आती है जिसमें हमारे ऐप की इंफॉर्मेशन होती है, जैसे ऐप का लेवल यानी ऐप का नेम, ऐप का पैकेज नेम, ऐप का आइकन, ऐप और साथ में ऐप की थीम क्या है, और साथ में हमारे ऐप की कैटेगरी क्या है। और इसी फाइल में हम अपने ऐप की परमिशंस को ऐड कर सकते हैं, यानी जैसे कि आपने कोई वॉइस रिकॉर्डर टाइप का ऐप बनाया, तो उसके लिए हमें अपने मोबाइल से, मतलब यूजर के मोबाइल से माइक्रोफोन की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी तो हमारा माइक्रोफोन वर्क करेगा। तो यहाँ पर हमें अपनी परमिशंस को टाइप करना पड़ेगा। सेकेंड है हमारी जावा, इसमें आपको तीन फोल्डर्स देखने के लिए मिलेंगे, दो को इग्नोर करते हैं, इस पर आते हैं। इस पे आपको एक फाइल मिलेगी मेन एक्टिविटी। ये एक्टिविटी फाइल, मतलब जैसा कि आपने देखा होगा HTML में, अगर कोई आपने बटन क्रिएट किया है तो उस बटन पर क्लिक करने से कोई एक्टिविटी हो रही है, तो वो जावा स्क्रिप्ट के थ्रू होती है। वैसे ही ये मेन एक्टिविटी डॉट जावा फाइल का यूज है, यानी जब भी हम कोई बटन पर क्लिक करेंगे तो क्या होना चाहिए, स्क्रॉल होना चाहिए, कोई पॉपअप शो करना चाहिए, कोई SMS, ऐसी कोई एक्टिविटी होती है, तो इस जावा एक्टिविटी के थ्रू ऑटोमेट की जाती है। और आती है ये रिसोर्स का फोल्डर। इस रिसोर्स के फोल्डर में हमारे ऐप की लेआउट, डिजाइन और भी बाकी सारे एलिमेंट होते हैं। लेआउट में हम जाएंगे और ये एक्टिविटी मेन डॉट XML पर आएंगे, तो यहाँ पर हमें अपने एलिमेंट की साइज और उसका साइज और एलिमेंट को कैसा होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए कि हॉरिजेंटल होना चाहिए, ये सारी। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो हम अपने ऐप का आउटपुट यहाँ पर देख पाएंगे, और साथ में कोड भी, जो यहाँ पर टेक्स्ट लिखा है हेलो वर्ल्ड आप देख सकते हैं, वो यहाँ पर भी लिखा है, यानी जो कुछ हमारा यहाँ पर दिख रहा है वो हम यहाँ पर कोड के जरिए भी देख सकते हैं और इसे कस्टमाइज कर सकते हैं। और यहाँ पर आप क्लिक करेंगे डिजाइन पर, तो आप अपने ऐप में एलिमेंट्स को ऐड कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके, जैसे कि मैंने ये बटन उठाया और यहाँ पर रखा, वो बटन ऐड हो गया। वहाँ अपने एक्टिविटी मेन वाली फाइल पर जाएंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं एक बटन की एक्टिविटी ऐड हो गई है, जिसकी साइज और बटन का नेम, बटन में क्या लिखना है, ये सारी ऐड हो गई हैं। फिलहाल पे इसे डिलीट कर देते हैं, बटन का कोई यूज नहीं है। अब हम जान लेते हैं कि हम अपने ऐप को यूट्यूब जैसा कैसे बनाएं। तो इसके लिए हम आ जाएंगे अब ChatGPT पर। अब मेन काम हमारा ChatGPT का है, तो अब हम यहाँ पर आ गए हैं ChatGPT की वेबसाइट पर और यहाँ पर प्रॉम्प्ट टाइप करेंगे अपने यूट्यूब जैसे ऐप को क्रिएट करने के लिए। तो हमने ChatGPT पर प्रॉम्प्ट दे दिया है, राइट कोड फॉर Android Studio YouTube ऐप, यानी हम एक YouTube जैसा ऐप क्रिएट करना चाहते हैं,
और उस YouTube ऐप का URL हम देंगे, यानी YouTube लिंक देंगे। यहाँ पर URL को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे, और यहाँ पर हम लिख देंगे विदाउट API की, यानी कोई भी API की हमें अपने ऐप में अप्लाई ना करना पड़े, सिर्फ इस URL से ही हमारा ऐप क्रिएट हो जाए, जो कि आसान रहेगा। इसके बाद सेंड वाले बटन पर क्लिक करेंगे। तो हमें ChatGPT ने 3 कोड्स जनरेट करके दे दी हैं। अब जान लेते हैं इन तीनों कोड्स को कहाँ कहाँ पर पेस्ट करना है। तो ChatGPT ने बताया है कि हमें एक्टिविटी मेन डॉट XML वाली फाइल पर इस कोड को पेस्ट करना है। तो सबसे पहले हम इसे कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद आ जाएंगे एंड्रॉयड स्टूडियो पर, और यहाँ पर हमें इस फाइल में अपने कोड को पेस्ट करना है। तो हम यहाँ पर कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर जो हमें कोड मिला है यहाँ पर हम इसे डिलीट कर देंगे और ChatGPT से जनरेटेड कोड को पेस्ट कर देंगे। बेसिकली इसमें एक जो URL हमने लगाया है वो हमारे ऐप पे व्यू करेगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपको टैग भी मिल जाएगा देखने को, वेब व्यू। अब सेकंड फाइल भी देख लेते हैं कहाँ पर हमें उसका कोड पेस्ट करना है। सेकंड में है हमारा मेन एक्टिविटी डॉट जावा, उसका कोड ये रहा। हमें उस फाइल में इस कोड को पेस्ट करना है सिंपली। तो ये रही हमारी फाइल। अगर आपको नहीं मिल रही है तो आपको चले जाना है जावा पर, और यहाँ पर फोल्डर पर फर्स्ट नंबर पर ही आपको देखने के लिए मिल जाएगा मेन एक्टिविटी नाम का। अब यहाँ पर जो कोड मिला है हमें इसे सिंपली डिलीट कर देना है, और जो ChatGPT से मिला है हमें कोड वो यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब हम अगेन आ जाएंगे ChatGPT पर। अब हमें देखने को मिल जाएगा थर्ड कोड, जिसमें है हमारी परमिशन, यानी जो हमने URL दिया है उसे चलाने के लिए हमें इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी, और इंटरनेट की ज़रूरत पड़ेगी तो हमें ऐप से यानी डिवाइस से परमिशन लेनी पड़ेगी। तो हमें यहाँ पर एक परमिशन दी है जो कि इंटरनेट की है। अब हम जान लेते हैं कि इसे हमें कहाँ पे पेस्ट करना है। तो मैंने वीडियो के स्टार्टिंग पे आपको बताया था कि हम अपने परमिशंस को कहाँ ऐड करते हैं। तो यहाँ पर आपको सिंपली इस परमिशन को कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपको फर्स्ट वाले फोल्डर पर आ जाना है। यहाँ पर इस फाइल पर आपको डबल टैप करना है और यहाँ पर अपनी परमिशन को पेस्ट कर देना है। आप चाहे तो थोड़ा सा गैप रख लेना, यहाँ पर बीच में पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आप देख सकते हैं हमारी फाइल रेडी है। अब सारे कोड फाइल में पेस्ट करने के बाद अब हमारा यूट्यूब ऐप रेडी है यूज़ करने के लिए। बट अब हम जान लेते हैं कि हम अपने ऐप में आइकन कैसे लगाएं। बहुत से लोगों को आइकन लगाना नहीं आता, तो आइकन लगाने के लिए आपको यहाँ रिसोर्स वाले फोल्डर पर आ जाना है। यहाँ पर राइट क्लिक करना, न्यू पर क्लिक करना, यहाँ पर आपको इमेज एसेट्स को सिलेक्ट करना। अब हमें अपने आइकन को सिलेक्ट कर लेना है। हमारे पास कोई आइकन नहीं है तो हम आ जाते हैं ब्राउज़र पर, यहाँ पर सर्च करते हैं YouTube आइकन PNG। हमें PNG इमेज चाहिए तो हमने PNG टाइप कर दिया है। इसके बाद आप कोई भी आइकन सेलेक्ट कर लेना है। यहाँ से हम आइकन सेलेक्ट कर लेंगे अपने ऐप के लिए। मान लीजिए मैं ये सिलेक्ट कर लेता हूँ। इमेज को डाउनलोड कर लेना है। ये हमें PNG चाहिए तो यहाँ पर लिख देंगे लास्ट में PNG। इसके बाद फाइल लोकेशन पर सेव कर देंगे। मैं देख सकते हैं हमारी आइकन सेव हो गया है। अब हम डाउनलोड किए हुए आइकन को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको बहुत सारी फाइल्स देखने के लिए मिल जाएंगी। तो हमने अपने डेस्कटॉप पर अपने आइकन को सेव किया था, तो यहाँ यूज़र पर जाएंगे, अपने कंप्यूटर के नेम पर जाएंगे, और यहाँ पर डेस्कटॉप पर जाएंगे, वही रही हमारे यूट्यूब, यहाँ पर क्लिक करेंगे, वही देख सकते हैं। अब यहाँ से आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर लेना, सर्कल में ऐसा, स्क्वायर में ऐसा, रेक्टेंगल स्क्वायर में ऐसा दिखेगा। इसके बाद आइकन लगाने के बाद नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपको इसे सिलेक्ट कर देना है अपनी फाइल को। इसके बाद फिनिश वाले बटन पर क्लिक करना है। अब हम अपने ऐप को सेव करेंगे। आप चाहे तो यहाँ से अपने आइकन लग जाने के बाद अब हम अपने ऐप को रन करेंगे। आप रन करने के लिए चाहे तो एंड्रॉयड स्टूडियो का वर्चुअल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं, बट मेरा सिस्टम लैग कर रहा है इसलिए मैं आपको बिल्ड करके अपने डिवाइस में रन करके दिखा देता हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर क्लिक करना है फोर लाइन्स पर,
और यहाँ पर आपको आना है बिल्ड पर। बिल्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको आ जाना है और बिल्ड एपीके पर सेलेक्ट कर देना है, यानी क्लिक कर देना है यहाँ पर। और देख सकते हैं हमारा ऐप बिल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। अगर आप चाहे तो अपने डिवाइस में डेवलपर ऑप्शन पर जाकर डीबगिंग को ऑन करके और यूएसबी के थ्रू या वायरलेसली अपने ऐप को डायरेक्टली एंड्रॉयड स्टूडियो से रन कर सकते हैं। बट मेरे पास कोई अभी केबल नहीं थी इसलिए मैंने रन नहीं किया। तो अब बिल्ड हो जाता है एपीके, फिर इसे हम अपने डिवाइस में रन करके देखेंगे। तो बिल्ड होने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो मैं आपको फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देता हूँ। बिल्ड हो जाने के बाद आपको कुछ इस तरह का एसएमएस शो करेगा। यहाँ पर लोकेशन पर चले जाना है। यहाँ पर लोकेशन ये नीला नीला दिखेगा। यहाँ पर डीबगिंग के फोल्डर को ओपन करना है। तो यहाँ पर हमें अपनी एपीके फाइल देखने के लिए मिल जाएगी। अब हम इस एपीके फाइल को अपने डिवाइस में डाल के इंस्टॉल और रन करके देखते हैं।